दिल्ली में मुख्य सचिव के साथ हुई मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के एक और नेता से पूछताछ हुई। आम आदमी पार्टी के अयोग्य विधायक नितिन त्यागी से दिल्ली के सिविल लाइन थाने में पूछताछ की गई। करीब 3 बजे नितिन त्यागी थाने पहुंचे, जहां दिल्ली पुलिस के 4 इंस्पेक्टर ने करीब 100 सवालों की लिस्ट तैयार की थी। नितिन त्यागी के कई जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं हुई। सवाल का जवाब दे रहे हैं, ये कह पाना मुश्किल है जांच में सहयोग किया कि नहीं, क्योंकि कई जवाबों के सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं थे उनके, और फिर से एग्जामिन करके देखेंगे। वही नितिन त्यागी ने कहा कि उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सचिव के साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी। कोई मारपीट ही नहीं हुई थी मेरे सामने, क्या हुई नहीं थी कोई मारपीट। ये आप पूछिए कि एमएलए क्यों झूठ बोलेगा, एमएलए क्यों झूठ बोलेगा। वीके जैन ने तो कहा था एक दिन पहले, वो कह रहे थे नहीं हुई थी, अगले दिन कह रहे हुई थी। कथित मारपीट की घटना के बाद नितिन त्यागी ही मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को गेट तक बाहर छोड़ने आए थे। इस केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल जेल में बंद हैं।